दोस्तों, क्या आपने कभी स्पाइडर यानी मकड़ी के जैसा दिखने वाला रोबोट को देखा है? और क्या आपने इस तरह का रोबोट देखा है जिसका इस्तेमाल पानी में रिसर्च करने के लिए किया जाता है? और इसके साथ साथ क्या आपने स्नेक यानी सांप जैसा दिखने वाला रोबोट को देखा है? और दोस्तों, इस नई नवेली जनरेशन की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे जा रही है, जिसके जरिए नए एडवांस किस्म के रोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं जो देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं और काम बहुत ही स्मार्ट होता है, जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ एनिमल्स रोबोट जिनको आज से पहले आपने शायद ही देखा हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अब इतना तो कर ही सकते हो। तो इस वीडियो के नंबर 5 पर आता है बायोनेमिक व्हील बोट रोबोट। दोस्तों, ये रोबोट एकदम स्पाइडर यानी मकड़ी के जैसा दिखता है, जो कि देखने में बहुत ही कमाल का लगता है। और ये स्पाइडर रोबोट यानी मकड़ी की तरह दिखने वाला रोबोट मकड़ी की तरह मूवमेंट भी करता है, जैसे मकड़ी अपने पैरों से धीरे धीरे चलती है, ये रोबोट भी वैसे ही चलता है। लेकिन इस स्पाइडर रोबोट की एक खास बात यह है, ये अपने पैरों को फोल्ड करके एक बाल की तरह भी चल सकता है, जिससे इसकी स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है। और इस मकड़ी जैसे दिखने वाले रोबोट का इस्तेमाल सीक्रेट मिशन के लिए भी किया जा सकता है, जिससे किसी को भी भनक नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आपको ये रोबोट कैसा लगा? और इस वीडियो के नंबर 4 पर आता है बोस्टन डायनेमिक स्पोर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने डॉग जैसा दिखने वाला रोबोट तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये रोबोट और रोबोटों से ज़्यादा फेमस है। और इस रोबोट को बोस्टन डायनेमिक कंपनी ने बनाया है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनी है। इस रोबोट में हाई क्वालिटी के सेंसर भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ये रोबोट 14 किलो तक का वजन एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकता है। और इस रोबोट का इस्तेमाल ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी या फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम इंक्लूड करके आप इससे अपने घर का काम भी करा सकते हैं। और इस रोबोट के जरिए आपको शायद फ्यूचर में झाड़ू पोछा लगाने वाली बाइक की जरूरत ही ना पड़े। तो है ना कमाल का रोबोट। और इस वीडियो के नंबर 3 पर आता है क्रेस्टर CR200। दोस्तों, ये रोबोट एक केकड़े की तरह दिखता है और इसका काम भी एक केकड़े की तरह है, जो पानी के बाहर और पानी के अंदर दोनों जगह पर चल सकता है। और इस रोबोट को समुद्र के गहरे पानी में रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये रोबोट पानी के अंदर रिसर्च करने के साथ साथ किसी भी चीज को स्कैन करके अपने अंदर भी रख सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले टाइम में ये रोबोट कितना ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। और इस वीडियो के नंबर 2 पर आता है बायोनिक कंगारू। दोस्तों, आप लोगों ने टीवी पर या मूवी पर कंगारू को तो जरूर देखा होगा, जो दो पैरों से लंबी लंबी छलांग मारकर रन करता मतलब भागता है। दोस्तों, इस एनिमल को देखकर इस कंगारू रोबोट को भी बनाया गया है, जिसकी हाइट 2.2 फीट है और वजन 15 पाउंड। और यह रोबोट एक बार में 2.6 फीट जंप कर सकता है। और इस रोबोट का मूवमेंट भी एकदम असली कंगारू की तरह दिखता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस रोबोट का फ्यूचर में इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा सकता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो के नंबर 1 पर आता है ईलोम रोबोट। दोस्तों, स्नेक यानी कि सांप को हर किसी ने देखा होगा, लेकिन क्या आपने स्नेक जैसा दिखने वाला रोबोट को देखा है, जो एकदम हूबहू सांप जैसा दिखता है? दोस्तों, इस रोबोट का इस्तेमाल ज्यादातर अंडर वाटर मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, और इस तरह का काम ये बड़ी आसानी से कर भी लेता है। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल दिखने वाला ये एलिमन रोबोट पानी के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको बड़ी स्मूथली ऑपरेट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सा रोबोट ज्यादा अच्छा और परफेक्ट लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने भाई को सपोर्ट तो करिए भाई।